बच्चों को आप बच्चों को दिलवा दो ना, आप ले लो और बच्चे हैं। मेरा नाम रिंकी गुप्ता है, मैं तेलियाबाग की निवासी हूँ। किस तरह क्या आपने दिया है? यहाँ हम लोग ये क्या नाम है कैंडल दिया मतलब लगा रहे हैं। ये कैंट स्टेशन है, यहाँ पे लोग जो यात्री यहाँ फंसे हुए हैं अपना घर नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ कुछ लोग हॉल में रुके हुए हैं, तो उन्हें हम लोग आज रात में 9 बजे दिया लगाना है। तो हम लोग ये उन लोगों को दिया दे रहे हैं कि ताकि रात में 9 बजे ये दिया जला सके, और रात को अपनी सारी लाइटें घर की रोशनी जितनी है सारी बंद कर देंगे, और ये कैंडल दिया लाइट टॉर्च ये जो हो सके वो सब जलाएँ। मैं मोनिका श्रीवास्तव, मैं तेलियाबाग से आई हूँ। और एक्चुअली कुछ दिन पहले मोदी जी ने अनाउंस किया था टीवी के थ्रू कि 5 तारीख को रात को 9 बजे हम लोगों को अपने घर में सभी घर की लाइटों को बंद करके, ना कि फ्रीज कूलर टीवी नहीं बंद करना, सिर्फ लाइट बंद करने की बात कही उन्होंने। उनको उसे बंद करके अपने घर के बालकनी से या दरवाजे के पास खड़े होकर एक दिया जलाना है हर किसी को, और सबको एकता का और एक संदेश देना है पूरे इंडिया में कि हम लोगों को एक ही टाइम पे एक ही समय पे दिया सबको जलाना है। किसी को कैंडल, किसके पास दिया नहीं प्रोवाइड है तो वो कैंडल जलाए, या अपनी टॉर्च की लाइट जलाए, या कुछ नहीं या टॉर्च है या तो फिर मोबाइल का लाइट है, तो वो कुछ भी लेके जला सकते हैं, लेकिन उनको उसी टाइम पे सब कुछ एक साथ करना है ऑल इंडिया। जो यात्री फंसे हैं और जो हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कुछ यात्री फंसे, देखिए मैं बनारस से हूँ और ये जो मैं अभी इस वक्त कैंट स्टेशन पे खड़ी हूँ जहाँ पे कुछ यात्री हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसके से घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम लोग उन तक पहुँचने की बात पहुँचे हैं क्योंकि उनके पास ना तो टीवी है ना मोबाइल है कि उन तक ये न्यूज़ पहुँच सके, तो हम लोग यहाँ पे आए उनको इस चीज़ से अवेयर करने के लिए ताकि वो भी इसी चीज़ को सेम टाइम पर ये काम करें जैसे हम लोग को करना है, जैसे मोदी जी ने कहा है हम लोगों को। तो हम लोग उनकी बात को, उनके संदेश को उन तक पहुंचा रहे हैं जिन तक ये बात नहीं पहुंची है। शॉर्ट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।